अस्सलाम वालेकुम। कोई भी डिश हो उसको खूबसूरती से प्रेजेंट किया जाए और उस डिश के हवाले से रिलेटेड सारी चीज़ें साथ शामिल की जाएं तो उस डिश को खाने का मज़ा दुबाला हो जाता है। जिस तरह हम पाकिस्तानी मुख्तलिफ़ किस्म की चटनियाँ बनाते हैं और मुख्तलिफ़ डिशेज़ में इस्तेमाल करते हैं, जैसे दही बड़े मूंग की दाल के, माश की दाल के, या दही फुलकियाँ बेसन की हो, चने की चाट हो, फ्रूट चाट हो, हर डिश में हम मुख्तलिफ चटनियाँ इस्तेमाल करते हैं पकौड़ों के साथ, समोसों के साथ। इसी हवाले से मैंने ये इमली की चटनी की रेसिपी आपके साथ शेयर की है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और इसी रेसिपी से आप दही फुलकियों और दही बड़ों के लिए चटनी तैयार करें। इसके लिए आपको चाहिए इमली का पल्प, चाहिए तकरीबन 1 कप, चीनी चाहिए 2 टेबल स्पून, नमक चाहिए 1/4 टीस्पून, अदरक पाउडर चाहिए 1/2 टीस्पून, और कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबल स्पून, काला नमक 1/2 टीस्पून, शक्कर ले लें या पिसावा गुड़ ले लें तकरीबन 1 कप। अब इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को आप एक ब्लेंडिंग जार में डालें और अच्छे से उसको ब्लेंड करके फाइन पेस्ट बना लें। बस ये चटनी तैयार है। इसी तरह बहुत ही मज़ेदार ये चटनी तैयार होती है। अगर आपके पास काला नमक नहीं है तो आप सफ़ेद नमक से भी बना सकते हैं चटनी। अगर आपको पसंद है टेस्ट में तो इसमें आप थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें भी डाल लें, थोड़ी सी पिसी हुई सुरख मिर्च भी डाल लें, थोड़ा सा लहसुन भी डाल सकते हैं। लेकिन दही बड़ों के हिसाब से ये चटनी में अगर आप लहसुन ना भी डालें तो ज़्यादा बेहतर है। जिंजर पाउडर काफ़ी है, आप इसमें फ्रेश जिंजर भी डाल सकते हैं। चटनी तैयार होने के बाद आप इसको किसी भी एयर टाइट जार में महफूज कर लें, और अगर ज़्यादा वक्त के लिए इसको आपने महफूज करना है तो आप इसको जार को फ्रीज़र में फ्रीज़ कर दें, और अगर आपको 1 से 1.5 हफ्ते के लिए इस चटनी को महफूज करना है तो आप फ्रिज में भी रख सकते हैं इसको। ये देखें, खुशनुमा, खुश शक्ल और बहुत ही लजीज किस्म की चटनी इमली की तैयार है। हमेशा अपने फ्रिज में ये रेसिपी तैयार करके रखें ताकि आप मेहमानों के आते साथ ही फटाफट दही फुलकियाँ तैयार कर सकें, पकौड़े बना सकें और बहुत यमी किस्म की चीज़ आप मेहमानों को सर्व कर सकें। कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत जल्दी बन जाती हैं और सबकी दिल हर दिल अजीज़ भी होती हैं, इसलिए आप इस किस्म की छोटी सी छोटे से टाइम में तैयार होने वाली रेसिपी तैयार रखा करें ज़रूर अपने पास।